हम रोटी रोटी लिया भैया ला रहे मेरे को भैया हाँ ठीक है लेने थे आप आज अपनी सेवा समिति की एक वर्दी बच्चा को बर्थडे भी है प्रभु इनके तरफ छह दिखता
चलू बाबा एक मिनट पे आओ, ये बिल्कुल गर्म है, नीचे वाली टूट गई इसलिए आप भोजन करवा बेटा, देख नहीं करें जी नीचे वाली है। पूरी वहाँ में जो हमारे सहयोगी लोग हैं उनके नाम मां मरो पता चल रही है ना लाइक जी हाँ बेटा बंदर रोटी रोटी है जी पेपर पर नहीं जा पार्टी अब सवेरा लगी हो आधी रात को वहाँ पर नाम भूल भी चलो आ रहा भैया 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 बड़ा भाई आप आज अपनी सेवा समिति की एक वर्षिक बच्चा को बर्थडे भी है आपको पता है थोड़ा कहाँ है भैया वो कितना बेटा गुरु जी कहाँ पर भैया कोई कैमरा चल रहा
भैया क्या बात है, अरे बाबू लाओ भैया क्या है कल्ला बंद भैया राजू कैसे इस मुहिम से जुड़े और फिर कैसे सहयोग किया और कहाँ काम करते हैं आप? सर मैं एक टेंट हाउस में काम करता था और एक मैं तो मजदूर आदमी हूँ, लेकिन वो भगवान की पीड़ाएँ ऐसी हुई बाबूजी के साथ में आज मैं राम रोटी में चल रहा हूँ। और जो भी है जो आपके सामने है बाबूजी की कृपा से और ऊपर वाले की कृपा से चल रहे हैं आज ये काम। क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं? जो 60-65 घर से हम मांग के लाते हैं वो बाके बाद में देखते हैं तो चेक करते हैं कोई रोटी खाने लायक है कि नहीं, कोई बासी तो नहीं धर रही, कोई मतलब हाँ ऐसी का जो भी अपन खा सकें जो दूसरे दे सके, बस रोटी अपन पैक बनाए दो दो रोटी के और बस वितरण कर दे जो बैठे नारायण जो ज़रूरतमंद है उनको दे दी। सालों से कर रहे हैं जो 34 साल है जी है। क्या नाम है आपका? घनश्याम से बात है। विशाल जी क्या कहेंगे, कितने सालों से ये मुहिम चला रहे हैं और कैसे इसका मन में ख्याल आया? ये भैया विशाल राम रोटी सेवा विगत 4 वर्षों से नियमित चल रही है और जहाँ तक ख्याल आने के संबंध में ये है कि स्टेशन पे बहुत से लोग शाम के समय भोजन प्रसादी से वंचित देखे गए, उसी तारतम्य में इसकी शुरुआत की गई और आज इसको लगातार 4 वर्ष हो रहे हैं, 4 वर्ष से चल रहा है ये कार्यक्रम। कैसे लोगों को कैसे प्रेरित किया और कितने लोग जुड़ गए आपकी इस मुहिम से? इस कार्यक्रम में ये 4 वर्षों में काफ़ी लोग सहयोग कर रहे हैं, हमारे साथ में 8-10 लोगों की टीम भी शामिल हो गई है जिनके सहयोग से समस्त घरों से रोटी कलेक्शन का काम किया जाता है। उसके बाद भोजन प्रसादी पूरी चेक होने के बाद संतुष्ट हो जाने के बाद पैकिंग कर संबंधितों को वितरण की जाती है। जैसे कई बार होता होगा किसी घर से रोटी मिलती होगी, किसी घर से सब्जी मिलती होगी, जी जी, तो फिर उसको कैसे एक संतुलित वो बनाते हैं भोजन? साहब प्राप्त सामग्री का परीक्षण करने का आशय ये है कि जो दी गई सामग्री खाने योग्य है कि नहीं, यदि नहीं है तो अपन ने उसको अलग कर दी और है तो उसकी मात्रा देखी जाती है कि किसी ने 2 रोटी दी है, किसी ने 6 रोटी दी है और उनमें वो उन रोटियों के मान से पर्याप्त अचार सब्जी की व्यवस्था है कि नहीं, यदि नहीं है तो वो बराबर बराबर की जाती है। आखिर में हमारे पास अचार उपलब्ध है, वो अचार भी जन सहयोग से प्राप्त होता है, उसके द्वारा भी रोटियों की व्यवस्था की जाती है। आपकी मुहिम से जुड़ के बहुत से ऐसे हैं जो कम्बल और चादर वगैरह भी देते हैं, कैसे जुड़ते हैं लोग? लोग ये कार्यक्रम देखने के बाद आज ये स्थिति आई है कि हर 2-4 दिन में भंडारे जैसी व्यवस्था की जा रही है और ये सब ये है कि लोग अपने बच्चों के जन्मदिन, शादी की सालगिरह, किसी बुजुर्ग की कोई पुण्यतिथि वगैरह है उसका जो भी भोजन प्रसादी का सामान है वो भी पहुँचाया जा रहा है, उसी से बढ़िया चल रही व्यवस्था। और ठंड के टाइम में 31 दिसंबर में हमारे कार्यक्रम की वर्षगांठ मनाई जाती है जिसमें जन सहयोग से ज़रूरतमंदों को कंबल, मोजा, गरम टोपा, स्कार्फ वगैरह ये सब वितरण किए जाते हैं, नए कपड़े वगैरह वितरण किए जा रहे हैं, ऐसा चल रहा है। कहाँ पर पदस्थ हैं और कैसे? मैं यही नगर पालिका में पदस्थ हूँ गाड़ावारा में और शाम के समय 7:30 से ये कार्यक्रम चालू हो जाता है।
क्या नाम है? विशाल सिंह ठाकुर।